यूएन में पाकिस्तान के झूठ पर भारत का कड़ा संदेश, कहा आतंक को लेकर पूरी दुनिया बनाएगी दबाव, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का वादा निभाए पड़ोसी देश। चार से पांच संदिग्ध दिखने के बाद नवी मुंबई में उड़न नौसेना बेस की सुरक्षा बढ़ाई गई, हेलीकॉप्टर से तलाश, समुद्र में भी चौकसी बढ़ी। नौगाम मुठभेड़ में शहीद हवलदार मोहनलाल का पंजाब में पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़। कैराना मामले पर इंडिया 24/7 पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, यूपी में कई कैराना, सीएम अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश के कई जिले, गुंटूर सबसे ज्यादा प्रभावित, सड़कों और गलियों में भरा पानी, कई लोग बाढ़ में फंसे। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ को मिली सशर्त जमानत, एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। और रियो पैरालंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सात लोक कल्याण मार्ग पर हुई मुलाकात, खेल मंत्री भी रहे मौजूद। अब ट्रेन में जेल से आएंगी बेडशीट, वेस्टर्न रेलवे की एरवडा जेल में कैदियों के बनाए सामान को इस्तेमाल में लाने की योजना, गांधी जयंती से होगा आगाज।